देश में हर साल गर्भावस्था के दौरान होने वाली दिक्कतों और बीमारियों की वजह से तकरीबन 56,000 से अधिक महिलाओं की मौत हो जाती है, क्योंकि उन्हें समय से हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते लोग। तमाम कई ऐसे जगह भी हैं जहां पर हॉस्पिटल नहीं मौजूद है, लेकिन अब जगह जगह हॉस्पिटल भी बन गए हैं और लोग अवेयर भी हो रहे हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के दौर में लोग, आम इंसान तो बहुत दूर, गर्भवती महिलाओं को भी हॉस्पिटल ले जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि ऐसे में एक गर्भवती महिला की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाने से महिलाओं को कोरोना हो जाएगा। ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि उनकी इस लापरवाही का खामियाजा न केवल स्वयं को बल्कि परिवार और माँ बच्चे को भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें घर पर लेकर न बैठें और कोरोना के डर से, जिसके बारे में चंदन हॉस्पिटल से डॉक्टर सबा फिरदौस ने बताया, जो कि है सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट। उनके अनुसार चंदन में गर्भवती महिलाओं के प्रसव से पूर्व कोरोना जांच करवाई जा रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं को कोरोना से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा डॉक्टर फिरदौस ने बताया। डॉक्टर फिरदौस ने कहा है कि वो डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं। यही नहीं, कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला के प्रसव के बाद जन्म लेने वाले नवजात शिशु को भी इसका कोई खतरा नहीं है और उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी चंदन हॉस्पिटल की होगी, हमारी होगी, इसलिए जरा भी संकोच न करें। तो आइए जानते हैं चंदन हॉस्पिटल से सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर फिरदौस और क्या कहती हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में, साथ ही इस कोरोना के दौर में महिलाओं को और क्या क्या वो सावधानियां बरतने के लिए बता रही हैं। भारत में फैल रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर्स अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि उन सभी पेशेंट्स को कोरोना से निकाला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं। हम मौजूद है चंदन हॉस्पिटल में, जहाँ पर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको किस तरीके की समस्या होती है। हालांकि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी चल रही है और लोगों को घरों से बाहर निकाला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी अगर वो लोग घर से निकलते हैं और डॉक्टर्स के पास परामर्श के लिए आते हैं तो किस तरीके से वो उनको ट्रीट करती है। मैम, पहले तो ONN में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। मैम, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनको किस तरीके से आप लोग ट्रीट करते हैं। गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स के जो मरीज़ होते हैं उनमें अक्सर हमें इमरजेंसी पेशेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या फिर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको हम ज़्यादा टाल नहीं सकते, जैसे कि प्रेगनेंसी है, अगर किसी की डिलीवरी होना है तो उसका समय होता है, डिलीवरी करना ही है, या अगर किसी को ब्लीडिंग तेज़ होने लग जाए, कोई इस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाए जिसमें जान पे बनाती है, तो उस तरह के सिचुएशंस हमारे पास आती रहती हैं। इसमें हम कोरोना की वजह से उन चीज़ों को टाल नहीं सकते, इसलिए हमें उन पेशेंट्स को अटेंड करना ही पड़ेगा। मैम, अगर देखा जाए जिस तरीके से सरकार की ओर से गाइडलाइंस हैं कि पेशेंट्स को आप पहले पूरी तरीके से चेक करें फिर उसके बाद उनका इलाज करें, लेकिन जो गायनोकोलॉजी है बहुत बड़ा सीरियस कंडीशंस हो जाती हैं लेकिन फिर भी पेशेंट्स को आप लोगों को ट्रीट करना पड़ता, तो किस तरीके की आप लोगों के ऊपर समस्याएँ आती हैं? हमारे पास चैलेंज ये आता है कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ रही है तो कई दफ़ा हमें उनको उसी वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, जैसे कि अगर डिलीवरी कराना है तो तुरंत कराना है या कोई ऑपरेशन करना है, उसमें हम उनके कोरोना रिजल्ट का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा बनाई गई है कि जिन लोगों का कोरोना टेस्ट हो सकता है और रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा सकता है उनको हम कोरोना टेस्ट करा के तब तक उनको हम थोड़ा सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे और कोविड नेगेटिव आने पर उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कोरोना रिजल्ट का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो उसमें एक हमने अलग ऑपरेशन थिएटर, अलग लेबर रूम बनाया है जिसमें हम उनको कोरोना अननोन स्टेटस लेकर के और पूरी PPE किट और सारी सुविधाओं के साथ एक अलग रास्ते से ले जाके उनका इलाज कंप्लीट कर सकते हैं। कोरोना टेस्ट भेज दिया जाएगा, कोरोना का रिजल्ट का वेट किया जाएगा, तो किसी भी तरह के मरीज को असुविधा ना हो, किसी की जान को खतरा ना हो, इस वजह से ये हम लोगों ने कोशिश की है सब समझने की और इसको सॉल्व करने की। मैम, बीइंग अ डॉक्टर, अगर किसी पेशेंट को आप ट्रीट कर रही हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, तो फिर उसके बाद अगर बेबी होता है तो उसके बाद कितना चांसेस होता है कि उस बेबी को भी कोरोना है या नहीं? कि कोरोना पॉजिटिव, जिनका नोन है कि ये कोरोना पॉजिटिव है, उनका जो ट्रीटमेंट है वो हमारे हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है, वो गवर्नमेंट ने जो सेंटर्स बनाए हैं वहाँ पे हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर किसी मरीज़ को कोरोना है और उसके बाद उनकी डिलीवरी होती है तो बच्चे में कोरोना जितने भी
केसेस वर्ल्ड ओवर देखे गए हैं उनमें बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिनमें बच्चे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, मतलब इसका प्रतिशत आप 1% से भी कम मान के चलें। तो इसलिए मरीजों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बहुत सारे डिलीवरी के बाद भी उपाय बताए जाते हैं जिससे कि बच्चे में फर्दर आगे भी संक्रमण ना हो और बच्चों का भी टेस्ट कराया जाता है। तो मेरी मरीजों से यही कहना है कि आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग पॉजिटिव रहें, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें। जाते आते सिर्फ एक सवाल कि चंदन हॉस्पिटल के जो भी पेशेंट्स हैं गायनी से रिलेटेड, किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे? चंदन हॉस्पिटल से बहुत सारे पेशेंट अटैच्ड हैं ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी के, और बाकी सभी लोगों को, उनको भी और बाकी सब लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे पास पूरी सुविधाओं के साथ और पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि किसी को भी कोरोना के संक्रमण का खतरा ना हो, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर हमारे पास आइए ट्रीटमेंट के लिए, आपको बेस्ट सुविधा मिलेगी और कोरोना संक्रमण से जितना मैक्सिमम बचाव की कोशिश है वो भी की जा रही है। थैंक यू मैम से बात करने की। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सबा, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना पूरे भारत में फैल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की जो बड़ी टीम है वो भी लगातार कोरोना से लड़ने के लिए खड़ी हुई है और सभी डॉक्टर्स हर प्रकार से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना जैसे वैश्विक बीमारी से निपटा जाए और उसको भारत से बाहर निकाला जाए।